मेहरौली जिले के जिला अध्यक्ष बनाए गए जगमोहन महलावत, उसके बाद उनके वसंत कुंज के दफ्तर पर उनको बधाई देने के लिए लोग पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज की, जहां पर मेहरौली जिले के जिला अध्यक्ष की कमान दी गई है जगमोहन महलावत को, जो कि पार्टी में पिछले कई सालों से जुड़े हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हुए आ रहे हैं। नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं आर सोने न्यूज। आपको बता दें कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता जो जिला अध्यक्ष बन चुके हैं जगमोहन महलावत जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनका ये सफर चुनौतीपूर्ण रह सकता है या कितनी ज्यादा उनको खुशी हो रही जो व्यक्त करना चाहते हैं। तो आप बताइए कि जिस तरीके से आप एक कार्यकर्ता थे और अब जिला अध्यक्ष की आपको एक पहुंच मिली है, तो किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं उस चीज को? मुझे ऐसा लगता है जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी है वो हमारे जो पुराना अनुभव रहा है, हम पार्टी के वर्षों पुराने कार्यकर्ता हैं और सभी को साथ लेकर चल सकेंगे इस आश्वासन के साथ, इस उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है। और सैकड़ों सैकड़ों कार्यकर्ता जो वर्षों से मेरे साथ काम कर रहे हैं या मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, और हमारा मिलनसार स्वभाव, हम सभी क्षेत्रवासी और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं या MP हैं या राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हम इन लोगों के साथ संवाद करते रहते हैं। असल में तो क्या है, राजनीति क्षेत्र में कई लोग छोटे मन के हो जाते हैं। असलियत में क्या है कि इसका संवाद करना सबसे बड़ी एक कला होनी चाहिए कि हम इस क्षेत्र में संवाद करें। संवाद करने से बहुत सारे विषय करते हैं और विश्व की सबसे बड़ी हमारी पार्टी है तो कहीं ना कहीं मतभेद तो होंगे ही। सब लोगों की कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा होती है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए, उनके मान सम्मान को बढ़ाते हुए हम उनसे बातचीत करेंगे और ऐसे ही पार्टी आगे बढ़ती रहती है। तो पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो आपने क्या सोचा कि उस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाना है? बहुत जबरदस्त तरीके से निभाएंगे जी, सभी साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, अपने पूरे समाज को साथ लेके चलेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 14 जिलों में से दिल्ली में जो है उसमें मेहरौली जिला सबसे आगे रहे और बहुत अच्छा काम करे, समाज को साथ लेकर चले। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2-3 वर्ष पूर्व कहा था कि राजनीति क्षेत्र में जो लोग हैं उनको समाज के बीच में जो कार्य करते हैं, उन सामाजिक कार्यों में अगर आपकी भागीदारी रहेगी तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो सर्व समाज के साथ लेकर, इस क्षेत्र की जनता को साथ लेकर, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे जी। तो जिस तरह से ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है? नहीं जी, कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण नहीं। मैं पहले भी जिले का 2 बार महामंत्री रहा हूँ, कई पदों पर रहा हूँ और काम करने का क्या है, अध्यक्ष का तो काम थोड़ा सा बैठने का ही रहता है, महामंत्री ज़्यादा काम करते हैं और टीम वर्क जो रहता है वो काम करेगा। टीम वर्क में हमने पहले 20 साल से काम किया ही है और मुझे पूरा अनुभव है और मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी कार्यशैली पे कि मेरी जो टीम बनेगी वो बहुत अच्छी टीम बनेगी। उनसे कंधे से कंधा मिलाकर जो भी चुनौती हमारे सामने आएंगी उसको पूर्ण करेंगे और उसका निवारण करेंगे। तो आखिरी में कुछ आप अपनी जो टीम बनेगी उसके लिए और जो जिम्मेदारी आप पर सौंपी गई है, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? बिल्कुल, कहना चाहूंगा जो हमारे साथ टीम रहेगी वो जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत पार्टी के लिए करते हैं, सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, ऐसी ही टीम बनाने का हम पूरे प्रयास करेंगे कि 24 घंटे और 7 दिन जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा निस्वार्थ भाव से करेगा और उसकी कार्यशैली जो पीछे हमारे पास सबके रिकॉर्ड रहते हैं जी, उसको देखते हुए हम उनको दायित्व पर देंगे, उनका सही तरह से निवारण करें, ऐसी टीम हम बनाने की कोशिश करें जी। जैसे इनका कहना है कि ये जिम्मेदारी अपनी उतनी ही अच्छे से निभाएंगे क्योंकि पहले भी काम कर चुके हैं और इनका नेतृत्व जो है वो उसी अच्छे तरीके से निभाएंगे, क्योंकि जितना भी इलाका इनके अंडर आ रहा है वो सब लोग खुश रहे और ये काम अच्छे से कर सके। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे आर सोने न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।